जी आ चुके हैं, आशु जी की शादी का डिस्कशन चल रहा है घर में। तो अब कब है शादी? कल, कल है शादी, परसों है रिसेप्शन। तो चलिए फ्रेंड, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? और ये बॉयल हो रहा है दूध, और एक थैली अभी मैं अलग से उबालूंगी, अलग पतीले में। ये डबल टोन दूध है जो कि मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मंगवाती हूँ, और ये बच्चों के लिए मंगवाती हूँ टोन दूध। अब आप ये बताइए, इतना सारा दूध है क्योंकि वो एक दिन छोड़ के एक दिन देके जाता है, तो ये हमारा दो दिन के लिए दूध है। तो ये है दूध। तो चलिए चाय इंजॉय कर लेते हैं। चाय मैंने बना चुके हूँ, और ये नट्स मैंने भिगोए हुए मैं अपने खा चुके हूँ, और ये हस्बैंड जी के और निक्कू के। दीक्षा को निक्कू ही छील के देता है। चाय बना दी मैंने, आधा घंटा पहले आवाज लगाई थी। मैंने अब सब काम करने छोड़ दिया है, आके मुझे पोछे लगाने पड़ता है। मेरा कहीं घूम नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकती। तुम्हारा क्या, मैं अचार डालूंगी? ये इतनी सुंदर कुर्ती के बाद इतना सुंदर जूड़ा क्यों बनाया है? अरे दीक्षा भी तैयार हो रही हो, जल्दी कर ले, ओढ़ने के चलना है। गाइस की चुंदरी भी लानी है, कल शादी है, सारी प्रिपरेशन ऐसे हॉच पॉच चल रही है ना। नकुल तो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। मम्मी तो लगी पड़ी है, चल चल रही हूँ यार। अभी रुक जाओ, चाय बना दो पहले स्वाद। तो बना ले बराबर है, मेरे बादाम भावेश, ये बस चार ही बादाम है आज, पांच क्यों दिए नकुल को? मेरे को पता है नकुल ने खा ली, जब तभी तो जानबूझ के बोल रही हूँ। ये ऊपर वाले नकुल को पहले खिला दिया, सुबह खा के गया, फिर मैंने कहा दीक्षा के पांच छह बादाम छोड़ दे, नहीं उसमें भी खाऊंगा, उसमें से भी खा गया। अभी बताती हूँ ऊपर वालों को। टाइम लैप्स राखी जी के, हल्दी भी तो लगेगी। तो गाइस आलू पराठा विद चाय एंजॉय करते हैं, और सारी चीजें बहुत भगदड़ में हो रही हैं। बेचारे नकुल और चाची दो बंदे लगे हुए हैं घर में आशु की शादी की सारी अरेंजमेंट्स करने के लिए। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी चल रही है, एंड गर्मी की वजह से हमारा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, ऑयली होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह होने लग जाते हैं, पिगमेंटेशन वगैरह होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें अभी कुछ दिनों पहले मैंने भी फेस करी थी, एंड इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैंने एज़ यूजुअल अपने क्योर स्किन वाली डर्मेटोलॉजिस्ट से सारी चीज़ें शेयर करी, उनके साथ चैट की, उनको सारी अपनी फ्रंट और साइड की फ़ोटोज़ भेजी, एंड उन्होंने मेरे फेस के अकॉर्डिंग, मेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मुझे ये किट कस्टमाइज करके दी प्रोडक्ट्स की। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, आप देख सकते हो कि मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो आप लोग भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, एंड इजीली डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ चैट कर सकते हो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, एंड आपका मंथली चेकअप होता रहेगा। जो भी आपको मंथ में अगर आपके फेस पे कोई और चेंजेस भी हो रहे हैं, इवन आपकी प्रॉब्लम अगर आपकी बढ़ भी रही है, या फिर अगर आपको कोई न्यू प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि टैनिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो आप मंथली चेकअप में सारी चीज़ें डॉक्टर के साथ, डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हो, एंड वो उस अकॉर्डिंग आपके लिए किट सजेस्ट करती रहेंगी कस्टमाइज करके। एंड इसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि हर महीने तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन होती ही रहेगी, साथ ही में वो आपको बताएंगी कि आपको क्या खाना चाहिए। आजकल पानी, आप लोगों को पता ही है, हम लोगों की बॉडी के लिए पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कितना पानी पीना है, क्या चीज़ें कब खानी है, वो सारी चीज़ें हमें सजेस्ट करती हैं। तो मैंने भी अपनी फ्रंट की एंड साइड की, साइड फेस की फ़ोटो उनके साथ शेयर की थी, तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे। ये रही मेरी कस्टमाइज किट, तो ऐसी किट आपको भी रिकमेंड की जाएगी। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो घर बैठे बैठे आप
फ्री में पूछ सकते हो, बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो एंड उस अकॉर्डिंग आपकी खुद की किट बनाई जाती है। एंड मुझे एक और चीज क्योर स्किन के बारे में ये चीज बेस्ट लगती है कि आप इनके प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये प्रॉपरली डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किए होते हैं एंड आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही वो कस्टमाइज किट बनती है। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट्स मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, लाइक मुझे हो गए हैं 2 से 3 साल हो गए हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि आपका सारा जो रिकॉर्ड है, वो मंथली जो भी आपका रिकॉर्ड है, वो सारा क्योर स्किन की एप्लीकेशन पे रहता है एंड मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। सिर्फ एक्ने में ही फर्क नहीं पड़ा, मेरी फेस पे एक अलग ही ग्लो मुझे दिखा है। एंड जैसे जो भी मुझे डाइट रिकमेंड की डर्मेटोलॉजिस्ट ने, तो उससे मेरे को बाकी चीज़ों पे भी बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा, लाइक मेरे बालों वगैरह में भी बहुत अच्छी शाइन आई है एंड हेयर लॉस वगैरह भी मतलब खत्म हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डाइट जो भी वो आपको रिकमेंड करती है, पानी ज्यादा वगैरह बताती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फेस पे ही वर्क नहीं करता, वो आपके पूरे बॉडी पार्ट्स पे वर्क करता है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी मंथ मिलता है। एंड आपको जब भी कुछ भी डाउट है तो आप फटाफट से क्योर स्किन की एप्लीकेशन खोल के डर्मेटोलॉजिस्ट से मैसेज पे बात कर सकते हैं कि आपको ये इशू आ रहा है, तो वो आपको हैंड टू हैंड आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एंड साथ ही में आप लोग मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो जो कि है Diksha300, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है एंड मैंने कमेंट पिन भी कर दिया है, तो आप वहां से भी लिंक ले सकते हो। एंड लिंक लेने के बाद, लिंक ओपन करने के बाद, आप इजीली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, अपनी चीजें डाल के, रजिस्टर करके आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। एंड जो भी मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स होंगे मेरा कूपन कोड यूज करने वाले, उनको मिलेगा 300 रुपीज का ऑफ। एक मिनट रुक जाए, फोन होल्ड करके, एक मिनट रुक जाए गाइस, थाप पे रखे जाएंगे तो मम्मी सारा सामान मौसी से नोट डाउन करवा रही है। एक तो रोली मेहंदी चाहिए, वो उसके घर में होगी नहीं शायद, हमारे घर में भी नहीं है रोली मेहंदी। सारी चीजें तो हमारे घर की भी चल जाएंगी, एक ही परिवार है। मैदा, हाँ नमक, अब साबुत तो मिलेगा नहीं, तो वही ले लें पिसा हुआ ही मिल जाएगा। मम्मी अगर आप हीरोइन बने तो फिर आप देखना पुरानी साड़ी दीक्षा देव की शादी में मिली थी थापे पे। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, थापे पे मुझे तो पुरानी के नहीं हुई, फिर तो पहनी कब है? पहनी तो नहीं है पर एक साल पुरानी तो होगी, देव की शादी एक साल तो होगी। नकुल बता, नकुल बता सर, नकुल हम 5 बार कपड़े पहन लेते हैं, तब भी ऐसे होते भी नए हैं। अरे ब्लाउज तो इसका लूज हो गया, टाइट करो, प्रेजेंटेशन पहन लो। चलो भाभी जी दी थी थापे पे, मेरी पसंद दिलवाएगी भाभी, जाओ जल्दी फिर सूट लेने चलेंगे मेरा सुंदर सा, पड़ी रहे। और रात को मेहंदी लगवा देना नकुल, हमारे मेहंदी मम्मी और मेरे, उसके तो लगवा दूंगी मार्क तो कह रहा है मेहंदी लगवाने के लिए। सो अब मैं आप लोगों को बहुत क्विक सा छोटा सा अपडेट दे देती हूँ फटाफट से। मम्मी और नकुल आशु के घर, उसने घर शिफ्ट किया था तो वहां पे पूरा मंदिर भी लाया है। मंदिर में मम्मी देखने गई है मूर्तियां कि आशु ने कौन सी मूर्ति रखी है, कौन सी नहीं रखी, मम्मी उसको समझा देंगी, बता देंगी। तो आज का पूरा दिन मम्मी के लिए बहुत हेक्टिक होने वाला है, तो देखते हैं कैसे, क्योंकि एंड मोमेंट पे सारी प्रिपरेशन चल रही है, कुछ पता ही नहीं था, बहुत चीज़ें डाइसी थी, तो होप फॉर दी बेस्ट कि बस चीज़ें सारी अच्छे से हो जाए। एंड फिर उसके बाद मम्मी आएंगी, मैं नहाने जाऊंगी और फिर मम्मी के साथ मैं जाऊंगी कोहाट, सोचूं ओढ़नी वाले के चली जाऊं सूट देखने अपना। तो मंदिर में पहनूंगी सूट और रिसेप्शन पे मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे आउटफिट्स हैं, क्रॉप टॉप और शरारे वाले, तो मैं सोच रही हूँ कि वो पहन लूँ उनमें से कोई। राधिका की शादी का है, प्रिया की शादी का है और ताने की शादी का भी है इवन मेरे पास, तो बड़े सारे जो मैंने सिर्फ एक एक बार पहने हैं, मतलब बस एक एक बार ही पहने हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हिमांशु जी के घर, पंखे क्यों बंद कर रखे इसने, सही बन गई थी रसोई का। खुश रहो, क्या पत्थर तीर मारे भाई तुमने, क्या करा अंदर का तो रहने दो अभी अंदर। इसने मेरी स्कूटी की चाबी जो खो गई थी इसके अंदर डाली हुई थी, मैंने डाल दी, खुद डाली थी और खुद भूल गई। अब तुम जाओ, अब हम जा रहे हैं हमारे घर से, तो तुम भी जाओ हमारे घर से। कपड़े जा रही है क्या? चलो बापू जी से कपड़े तो रुपए तो ले ले, तुम्हारा सूट तो बढ़िया। नहीं नहीं आ जाओ, खुद लेऊंगी मैं अपने पैसों से। ले ले दे दे, तू दे दे ये ले। आशु के पैसे मत दे। चलो गाइस जाते हैं ओढ़नी, सबसे पहले सूट मोमर में लेके आते हैं एक सूट।
4000 से ऊपर का सूट नहीं लूंगी मैं, बस मैक्सिमम 4000 रुपए खर्च कर सकती हूँ। बहन मैं तो 2-2.5 का दिलाऊंगी, 4 तो बहुत ज्यादा है। फिर ठीक है, सुंदर सा सूट चाहिए, बढ़िया जाती ही नहीं हूँ ना मैं, कुर्ती पे ही दुपट्टा कैरी कर लेती हूँ। ये जैसे मैंने करा है। हम लोग पहुंच गए ओढ़नी, फुली बस मिल जाए। इसका और कलर देख ले, ये तो परफेक्ट कलर है। बस इसका कलर देखो ना, ये हाँ ये वाली देखो इसका कलर। साड़ी ले लिए किस चीज के लिए? चुंदरी की, जो बहू को उड़ाते हैं फेरे पे। अब हम जा रहे हैं सूट लेने, तो कह रहे हैं होने वाले कि हमारी सूट की ब्रांच जो है वो आगे है, तो आगे जाएंगे। अरे ये वाला ओढ़नी, चलो क्या हुआ गाइस, कुछ फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे आउटफिट्स पहन के देखे हैं, सारी फोटोज लगा दूंगी मैं यहाँ पे, देख लेना, और कुछ फाइनलाइज नहीं हो रहा है। पाँच बज गए, कुछ समझ नहीं आया, अब देखते हैं क्या करेंगे। बुद्धू घर को आए बिन लिए, घर को आए। मैं तो समोसे खा रही हूँ दो। ये दाल चावल कितने सारे? येलो दाल है, मेरी तो येलो दाल से गैस बन जाती है अगर येलो है तो। सॉरी येलो, आई हेट येलो, आई कांट ईट येलो। मैंने किस लिए बनाया? फिर रात को खा लूंगी। अच्छा है, नकुल, सोनिका, मम्मी एंड मेरे लिए, और साथ में नकुल से मैंने मंगाया समोसे, तो वो अपने लिए भी लाएगा, मेरे लिए भी लाएगा, सोनिका के लिए भी लाएगा। मम्मी नहीं खा रही है, खाने के चक्कर में मेरी चाय निकल गई। चाय कैसे निकल गई? गैस बंद कर दी। वी आर हैविंग पनीर ब्रेड पकौड़ा, मैक्रोनी समोसे विद नकुल, सोनिका मैं, और ये सोनिका मैन की साड़ी आई है। सोनिका को मिलेगी ना किस चीज से? भाई पता नहीं, हमारे इनके यहाँ पे हमें मिलते, पर हमारे यहाँ हमें साड़ी आशु की बहू उड़ाई गई, और सोनिका को मिलेगी। तो फिर ये वाले भी सब हमारे ही होंगे, हमारे यहाँ हमें। भैया सब जगह मैंने यही देखा है, बहू खुद पहनती है।